एक ओबीसी के स्टूडेंट को, एक ओबीसी के कैंडिडेट को आईआईटी में जस्ट एंट्री के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी रैंक की रिक्वायरमेंट है, और उस रैंक पे ओबीसी रैंक क्या बनेगी, लाइक हमारी ओबीसी रैंक कितनी होनी चाहिए और उस रैंक के लिए मार्क्स कितने रिक्वायर्ड है कि हम बस आईआईटी में घुस सकें, हमें और बीटेक के कोर्स के लिए, बीएससी या एमएससी के लिए, लेकिन बीटेक के कोर्स के लिए, क्योंकि अगर जोसा पे जाकर इसकी वेबसाइट पे क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक की अगर देखोगे तो उसमें रैंक्स तो बहुत नीचे तक गई हैं, बट उसमें बीएससी और एमएससी का भी है। तो एक आईआईटी रुड़की का मैंने देखा था, आईआईटी रुड़की की लास्ट ईयर, आईआईटी रुड़की आईआईटी गुवाहाटी आई गेस, ऊपर की सात की बात करूँ, नीचे की आईआईटी की मैं बात ही नहीं कर रहा, ऊपर की सात आईआईटी के लिए आई गेस मैंने देखा था 5556 रैंक, 5556 ये लास्ट रैंक थी जिसमें तुम सिर्फ एक आईआईटी का टैग तुम्हें मिलेगा बीटेक के लिए। ये फाइव फाइव ईयर्स बीटेक प्लस एमटेक का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स था, बायोटेक या फार्मास्यूटिकल कोई नीचे की ही ब्रांच थी। मैं ब्रांच इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत नीचे की ब्रांच प्लस बीटेक में सिर्फ नहीं मिलेगा, बीटेक प्लस एमटेक में मिलेगा, तुम टॉप सेवन में सिर्फ घुस जाओगे। 5556 रैंक ओबीसी रैंक है, जनरल नहीं, जनरल इसकी बहुत ज़्यादा जाएगी। लाइक तो मैं तुम्हें बताऊँ, जनरल 28,000 ओबी जनरल रैंक पे करीब 7,000 ओबीसी रैंक बनी थी लास्ट ईयर, तो इसके अकॉर्डिंग तुम देख लो करीब तुम्हारी 22-23 हज़ार जनरल रैंक थी, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी ओबीसी रैंक बनी 5,000 समथिंग, 5,500। उसके लिए मार्क्स रिक्वायर्ड थे 87 मार्क्स, राउंड फिगर में तुम 90 नंबर मांग लो, ओबीसी स्टूडेंट के लिए 90 नंबर मिनिमम है। अगर तुम्हारे 90 मार्क्स के ऊपर आ रहे हैं, 90 मार्क्स एक पेपर में नहीं चाहिए, दो पेपर में चाहिए, यानी 360 में तुम्हें 90 नंबर चाहिए, यानी जस्ट 1/4 कर लो, 1/4 हो ना, यस 90 मार्क्स। तो 90 मार्क्स में एक ओबीसी का स्टूडेंट ओल्ड आईआईटी में जस्ट एंट्री कर लेगा विथ अ बीटेक प्लस एमटेक कोर्स इन फार्मास्यूटिकल और समथिंग बायोमेडिकल, जो बहुत ही नीचे की खराब ब्रांच होती है। ऑब्वियसली तुम्हें ब्रांच अपग्रेड के लिए जाना पड़ेगा या फिर तुम्हें समथिंग और चीज़ें करनी पड़ेंगी, लाइक तुम्हें कोडिंग के थ्रू जॉब लेनी पड़ेगी, ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा, तुम्हें दूसरी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। ये आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें बस एक ओबीसी के स्टूडेंट को आईआईटी ओल्ड आईआईटी में घुसने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है मार्क्स की एंड रैंक की। और हाँ, ये 90 मार्क्स दोनों पेपर में, यानी पेपर वन पेपर टू मिला के, यानी तुम्हें एक पेपर में 45 मार्क्स चाहिए होंगे, 45 मार्क्स इन वन पेपर, 45 मार्क्स इन सेकेंड पेपर, अब टोटल 90 चाहिए, तो वेरिएशन कर लो। और इसी के साथ एक ओबीसी का कट ऑफ, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी होता है, तो 9% तुम्हारा होता है, 9-10% जनरली जाता है ओबीसी का कट ऑफ, यानी 120 का तुम 9-10% अपना निकाल लेना, करीब 10 से 11-12 नंबर आता है, इतना नंबर तुम्हें मिनिमम चाहिए होगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर करने के लिए भी। आई होप से क्लियर हो गया वो ये कट ऑफ वाली चीज़, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।